त्रियुगी नारायण, एक गांव जो उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में बसा है तथा सीतापुर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रियुगी नारायण एक शानदार मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। वास्तुकला में यह मंदिर केदारनाथ मंदिर की तरह ही बना हुआ है। वही तो केदारनाथ है। दंत कथाओं के अनुसार त्रियुगी नारायण हिम्मत की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह माना जाता है कि इस विवाह के हवन कुंड की आग 3 युगों से, जो कि सतयुग से अभी तक जल रही है, इसीलिए इस मंदिर को त्रियुगी नारायण कहा जाता है। श्रद्धालु जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं वो इस हवन कुंड में लकड़ी भेंट करते हैं तथा अपने सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। इस गांव में 3 और कुंड हैं, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड। यह मान्यता है कि इन तीनों कुंडों में तीनों देवताओं ने शिव और पार्वती की शादी में स्नान किया था। इन तीनों कुंडों का पानी सरस्वती कुंड से आता है जिसका उद्गम विष्णु की नाभि से हुआ था। यह मान्यता है कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति चाहती हैं या बांझपन दूर करना चाहती हैं वो इस कुंड में स्नान करती हैं, और यह सब त्रियुगी नारायण को एक अनोखा मंदिर बना देता है व ट्रेडिशनल वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एकमात्र स्थान बनाता है। हर साल 10 से 15 युवा जोड़े यहाँ पर वैवाहिक बंधन में बनते हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद पाते हैं।